हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एमडीएन स्कूल क्लाइव। एज यू नो, वी आर ऑन थर्ड लेसन ऑफ पब्लिक एड ऑफ 11th क्लास। आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का थर्ड लेसन में मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ एवं कार्य के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। संविधान में वर्णित ऐसे अधिकारों को छोड़कर जो राष्ट्रपति ने राज्यपाल को सौंपे हैं, कार्यकारिणी के सभी कार्यों का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद पर होता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल के कार्यों में सहायता देने के लिए ही मंत्रिपरिषद होती है। कहने का अर्थ है, जो संविधान बनाया गया है उसके अनुसार क्या है, राज्यपाल के कार्यों में सहायता देने के लिए क्या है, मंत्रिपरिषद बनाई गई है, यानी मंत्रिपरिषद होती है। परंतु राज्यपाल सदैव मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही चलता है, अतः उसकी सलाह का उत्तरदायित्व मंत्रिपरिषद पर ही रहता है। मंत्रिपरिषद की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित हैं। प्रांतीय शासन की नीति का निर्धारण क्या है, जो प्रांत के अकॉर्डिंग जो शासन की नीति बनाई गई है उसके अनुसार मंत्रिपरिषद का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह राज्य की प्रशासकीय नीति का निर्धारण करें, जो नीति बनाई गई है। और याद रहे कि इस काम को करते समय मंत्रिपरिषद अपने दल अथवा अन्य दलों के राजनीतिक सिद्धांतों को पूरा ध्यान में रखती है। कहने का अर्थ है, जो मंत्रिपरिषद जो नीति बनाती है, जो मंत्रिपरिषद अपने दल और जो अन्य राजनीतिक पार्टियों के जो दल होते हैं उनके सिद्धांतों का क्या है, पूरा ध्यान रखती है। इस प्रकार निर्धारित नीति को फिर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यानी पेश किया जाता है, और मंत्रिपरिषद को विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के कारण उस नीति को वहाँ स्वीकार भी कर लिया जाता है। कहने का अर्थ है, जो वह नीति निर्धारित कर ली जाती है तो उस क्या है, विधानसभा के सामने जब प्रस्तुत करते हैं तो मंत्रिपरिषद क्या है, पूरे बहुमत का समर्थन, यानी सभी उस बात से सहमत होते हैं तो उस नीति को वहीं क्या है, विधानसभा में स्वीकार कर लिया जाता है। नीति का कार्यान्वित करना नीति निर्धारण मात्र से कुछ नहीं होता, यानी जो नीति बनाई गई है उसके निर्धारण करने से कुछ नहीं होता। बड़ी बात तो है मंत्रिपरिषद के द्वारा निश्चित की गई नीतियों के अनुसार प्रशासन चलाना। कहने का अर्थ है, जो नीतियाँ बनाई गई हैं उसके अनुसार क्या है, प्रशासन को चलाना। मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होने के नाते विधानमंडल के दोनों सदनों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है। कहने का अर्थ है, जो मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होता है तो विधानमंडलों के जो दोनों सदनों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का उत्तर देता है तथा जनता को भाषण द्वारा अपने विभाग की नीतियों एवं कार्यों से अवगत कराता। कहने का अर्थ है, जो मंत्री क्या है, अपने भाषण के द्वारा जनता को जो नीतियां बनाई गई हैं, जो कार्य किए गए हैं उनसे क्या है, जनता को अवगत कराता है। किसके द्वारा, भाषण के द्वारा। मंत्री प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का कार्य ठीक प्रकार से चलाने के लिए अपने अधीनस्थ सरकारी पदाधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है। कहने का अर्थ है, प्रत्येक मंत्री क्या है, अपने विभाग का अच्छे प्रकार से कार्य करने वाले जो क्या है, उसके अधीनस्थ जो सरकारी जो पदों पर जो कार्य करते हैं उनका निरीक्षण करता है, जांच पड़ताल करता है। और प्रशासन चलाने के लिए मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना, यानी सामंजस्य स्थापित करना काम के अकॉर्डिंग। शासन की सरलता के लिए संपूर्ण शासन कई विभागों में विभक्त होता है और प्रत्येक विभाग का अलग अलग मंत्री होता है, यानी कहने का अर्थ है, जो शासन क्या है, आसानी से क्या है, संपूर्ण मतलब कई भागों में बटा होता है और प्रत्येक विभाग का क्या है, अलग अलग मंत्री होता है। यद्यपि शासन मंत्री परिषद द्वारा निश्चित नीतियों के अनुसार चलाया जाता है, फिर भी भिन्न भिन्न विभागों में अधिकार क्षेत्र के लिए विवाद हो जाना स्वाभाविक है। मंत्रिपरिषद विवादों को समाप्त करके विभिन्न विभिन्न विभागों में सहयोग पैदा करता। कहने का
का अर्थ है, जो मंत्री है जो क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है, जो विवाद होते हैं उनको समाप्त करने के लिए भिन्न भिन्न विभागों में सहयोग पैदा करती है, यानी सहयोग की भावना, ताकि शासन में कार्य कुशलता बनी रहे। और इसके अलावा मंत्रिपरिषद यह भी देखता है कि शासन नीतियों के अनुसार चल रहा है या नहीं, जो मतलब शासन जो नीतियाँ बनाई गई है भी शासन उसके अनुसार चल रहा है या नहीं। नियुक्तियाँ, प्रांत की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। इन नियुक्तियों में एडवोकेट जनरल, प्रांत के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, विश्वविद्यालयों के उपकुलपति इत्यादि शामिल होते हैं। वैधानिक कार्य, कानून निर्माण में मंत्रिपरिषद की प्रमुख भूमिका होती है, यानी जब कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, तो मंत्रिपरिषद क्या अपनी अहम भूमिका निभाता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। सभी महत्वपूर्ण विधेयक विधानमंडल में मंत्रियों द्वारा ही पेश किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का विधानमंडल में क्या है, बहुमत होता है, इसलिए मंत्रियों के द्वारा पेश किए गए सभी बिल पारित हो जाते हैं, यानी पास हो जाते हैं। मंत्रिपरिषद की इच्छा के विपरीत कोई भी बिल कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। कहने का अर्थ है, जो मंत्रिपरिषद की इच्छा के विपरीत कोई भी बिल कानून पास करवाना चाहे तो वो क्या है, बिल कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद की है निश्चित करता है कि विधानमंडल का अधिवेशन कब बुलाया जाए तथा कब अधिवेशन को समाप्त किया जाए। राज्यपाल का विधानमंडल में दिया जाने वाला अभिभाषण भी मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किया जाता है। कहने का अर्थ है, जो राज्यपाल विधानमंडल में जो भाषण देता है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार किया जाता है। जब राज्य विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा होता है तब मंत्रिपरिषद राज्यपाल के नाम पर आदेश जारी करती है। वित्तीय कार्य, राज्य की वित्त व्यवस्था पर मंत्रिपरिषद का पूरा नियंत्रण होता है। कहने का अर्थ है, जो राज्य की वित्त व्यवस्था पर मंत्रिपरिषद का भी नियंत्रण होता है। कहने का अर्थ है, यह बजट तैयार करती है तथा विधानसभा से पास करवाती है। बजट की तैयारी और इसे पास करवाने में मंत्रिपरिषद का बहुत बड़ा हाथ होता है। कहने का अर्थ है, जो वित्त व्यवस्था है तो क्या है, उस पर वित्त व्यवस्था पर मंत्रिपरिषद का भी नियंत्रण होता है, और यह क्या है, बजट भी तैयार कराती है और विधानसभा से बजट तैयार करके पास भी करवाती है, और बजट की तैयारी को इसे पास करवाने में मंत्रिपरिषद का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि बजट विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। कहने का अर्थ है, जो बजट बनाया है अगर उस बजट को विधानसभा अस्वीकार करती है तो जो संपूर्ण पूरे मंत्रिपरिषद को क्या है, त्याग पत्र देना पड़ता है। बजट पास होने के बाद मंत्रिपरिषद की निश्चित की हुई राशि को योजना के अनुसार खर्च करती है। कहने का अर्थ है, जो बजट मंत्रिपरिषद ने पास करवाया है, पास होने के बाद क्या है, मंत्रिपरिषद ही निश्चित की हुई राशि को जो योजना बनाई गई है, योजना बनाकर क्या है, उसे योजना के अनुसार खर्च करती है, और वह उसी के लिए उत्तरदायित्व भी है। केंद्रीय कानूनों व निर्णयों को लागू करना, राज्यों के मंत्रिपरिषद का यह भी दायित्व है कि वह संसद के कानूनों एवं केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करें। केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है, जैसे केंद्र सरकार रेल मार्गों की सुरक्षा के लिए उचित आदेश राज्यों को जारी कर सकती है। ऐसी स्थिति में राज्य मंत्रिपरिषद का यह दायित्व बनता है कि वह केंद्रीय आदेशों को लागू करे। मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए वर्णित कार्यों से स्पष्ट होता है कि यह वह संस्था है जो राज्य का शासन चलाती है, जो राज्य का जो कार्यभार संभालती है। राज्य की नीतियों को निश्चित करने से लेकर शासन चलाना, राज्य में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना, कानून बनवाना, बजट तैयार करना तथा उसे पास करवाना आदि में मंत्रिपरिषद का ही प्रभुत्व
रहता है। इसलिए मंत्रिपरिषद को राज्य का वास्तविक शासन चलाने वाली संस्था कहा जाता है। संक्षेप में यह कहा जाता है कि राज्य मंत्रिमंडल राज्य की नीतियों का निर्माता है, यानी कि जो मंत्रिमंडल राज्य के अंदर जो नीतियां बनाई जाती हैं और नियुक्तियां करने वाला एक सर्वोच्च अंग, विभागों के पारस्परिक विवादों का निर्णायक तथा सरकार के भिन्न भिन्न भागों में समन्वय यानी तालमेल स्थापित करने वाला सर्वोच्च अंग है। अंत में प्रांतीय शासन में मंत्रिपरिषद की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इसे प्रांतीय शासन का आधार बिंदु कहा जा सकता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है। आज इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड करोगे और लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।